स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल पे कर्णन। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे इसी साल 2021 में रिलीज हुई तमिल मूवी कर्णन का, जिसे डायरेक्ट किया था मारी सेल्वाराज ने। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसमें नजर आए थे धनुष, राजिशा, विजयन, लक्ष्मीप्रिया लाल और नटराजन सुब्रमण्यम। ये एक मास्टरपीस मूवी है जिसमें दो गाँव के बीच का अंतर दिखाया गया है, जिसमें एक गाँव में दलित और पिछड़े लोग हैं जो कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जब इन दो गाँव के झगड़े में जब एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है तो वो अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए दलित और पिछड़े गांव के लोगों को परेशान करता है और आखिर में वो पूरे गांव को तबाह कर देता है। गांव को बचाने गांव का ही एक आदमी आगे आता है। कई मुश्किलों के बावजूद वो अपने गांव वालों को एक साथ खड़ा करता है और उन्हें इंसाफ दिलाता है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल के बटन को भी दबा देना ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की रोड पर तड़प रही है, उसके मुँह से जाग निकल रहा है। आसपास होते हुए कई सारी गाड़ियाँ जा रही थी लेकिन एक भी गाड़ी उसकी मदद के लिए नहीं रुकती और उसकी मौत हो जाती है। सीन यहाँ कट होता है। दूसरे सीन में कुछ पुलिस वाले एक आदमी को हथकड़ी पहना के ले जा रहे थे, उसके शरीर पर खून लगा था। पुलिस उसको पुलिस वैन में ही पीटती है और उसको पकड़कर कोर्ट में लाते हैं। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां दो गांव दिखाए जाते हैं, पांड्याकुलम और मेलूर। पांड्याकुलम के लोग एक बिना सिर वाले भगवान को मानते थे, उसी गाँव में कर्णन रहता है। आज उसे कहीं जाना था तो वो अपनी दीदी से झगड़ता है कि क्यों उसने उसे जल्दी नहीं उठाया। उसका एक दोस्त है यमन जो उम्र में उससे बड़ा है। जब कर्णन और यमन जा रहे थे तब कर्णन की माँ उसे रोकती है और उसे कहती है कि अगर उसने मछली काटी तो उसकी खैर नहीं, कुछ बच्चे हाथी को पूजा के लिए नहला रहे थे। रास्ते में यमन कर्णन को बताता है कि कई साल पहले जब मछली को काटा गया तो गाँव में कई लोगों की जान चली गई, इसलिए गाँव वाले मछली काटने से डरते हैं और जो आदमी मछली काटता है उसे पुरखों की तलवार दी जाती है। हर साल उस तलवार की पूजा करके उसे वापस रखा जाता है क्योंकि कोई भी मछली काटने को तैयार नहीं होता। वड़ा मलाई सबसे पूछता है कि क्या कोई मछली काटने को तैयार है क्या, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता। तो वो अपने भगवान की पूजा करते हैं और मछली को वापस तालाब में डालने को तैयार होते हैं। तभी वहाँ भागता हुआ यमन आता है और कहता है कि कर्णन ये मछली काटने को तैयार है। तो कर्णन को पुरखों की तलवार दी जाती है और कर्णन तालाब की दूसरी ओर तलवार लेके चला जाता है। वड़ा मलाई दूसरी ओर से मछली फेंकता है और कर्णन उस पहाड़ी से कूद के उस मछली के दो टुकड़े कर देता है और तालाब में गिरता है। मछली कटते ही सब लोग खुश हो जाता है। कर्णन को हाथी पे बिठाया जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। जब कर्णन की दीदी पद्मिनी उसकी माँ को ये खबर देती है तो वो कर्णन पे नाराज होती है। सब लोग खुश थे और रोड ब्लॉक करके वहाँ नाचने गाने लगते हैं। उसी रोड पे एक पुलिस जीप में कुछ पुलिस वाले थे। वो पुलिस वाला बताता है कि पांड्याकुलम के लोगों के पास बस स्टॉप नहीं है। जब पांड्याकुलम के लोग मेलूर जाके बस में चढ़ते हैं तो मेलूर के लोग उन्हें परेशान करते हैं। दोनों गाँव वाले आपस में झगड़ते रहते हैं क्योंकि पांड्याकुलम के लोग नीची जाति के हैं। बस स्टॉप बनाने के लिए उन्होंने कई जगह अर्जी दी लेकिन मेलूर के लोगों की वजह से वहां बस स्टॉप नहीं बना। वहां पे कोई भी बस नहीं रुकती तो लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए दूसरे वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाद में पुलिस उन सबको भगा के रोड खाली करवाती है। ये है द्रौपदी जो वड़ा मलई की बहन है और कर्णन से प्यार करती है। सब लोग नाचते हुए गाँव में आते हैं और कर्णन के कहने पर उस तलवार को उसकी माँ को सौंपा जाता है जिससे उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। फैजल अपने पिताजी के साथ कॉलेज जाने निकलती है। कॉलेज का उसका पहला दिन था। उनके गांव पांड्याकुलम तो बस रुकती नहीं थी तो वो मेलूर बस स्टैंड जाके बस पकड़ने रुकते हैं। तभी वहां मेलूर के कुछ आदमी आते हैं और लड़की देखकर उसे गंदे गंदे इशारे करते हैं। जब फैजल के पिताजी उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो फैजल के पिताजी की पिटाई करते हैं। तभी वहां मेलूर का एक जमींदार पहुंचता है और वो उनको छुड़ाता है और फैजल और उनके पिताजी को वापस गाँव बेच देता है। कर्णन रास्ते में गाय बकरिया छोड़ देता है जहाँ से मेलूर के वो आदमी जा रहे थे जिन्होंने फैजल के साथ बदतमीजी की थी और उनके पिताजी को मारा था। वो लोग वहाँ से गुजरते हैं और गाय बकरियों को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तभी उन गाय बकरियों में से कर्णन बाहर आता है और उन सब की पिटाई करता है। फैजल से उन लोगों ने बदतमीजी की थी इस बात को लेकर वो उन सबको खूब मारता है। यमन कर्णन को रोक लेता है। अब कर्णन ने मेलूर के लोगों को मारा था तो कहीं ये झगड़ा बढ़ न जाए इस बात को लेकर
पंचायत बुलाई जाती है और सब लोग कर्णन और यमन से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर्णन कहता है कि आज तक हम लोग चुप रहे इसीलिए वो हमें नीचा दिखाते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गांव का मुखिया दुर्योधन इस बात से खुश होता है और कर्णन से कहता है कि उसे जो अच्छा लगे वो करे, वो उसके साथ है। अब मछली काटते ही कर्णन का नाम भी बड़ा हो गया था। दूसरी ओर पॉइजल दुखी थी क्योंकि वो अब कभी कॉलेज नहीं जा सकती। मेलूर के जमींदार को जब पता चलता है कि पांड्याकुलम के लोगों ने उनके लोगों को मारा है, तब वो उन्हें कहता है कि वो उन्हें मारे लेकिन मेलूर में नहीं, उनके गांव में। कर्णन यमन से पूछता है कि इस गधे के पैरों को किसने बांधा है, तो यमन बताता है कि उसके मालिक ने, और वो गांठ सिर्फ उसका मालिक ही खोल सकता है और कोई नहीं। जब पॉइजल वहां से गुजरती है तो कर्णन उसे कॉलेज जाने को कहता है, लेकिन पॉइजल कहती है कि उसे अब और नहीं पढ़ना। पॉइजल के साथ द्रौपदी भी थी, तो यमन कर्णन से कहता है कि द्रौपदी तुमसे प्यार करती है और वो ये बात जानता है। कर्णन जुआ खेलने के लिए यमन से कुछ पैसे मांगता है, तो यमन कहता है कि तुम जाओ मैं पैसे लेके आता हूं। वहां से निकल के यमन गांव की ही एक बूढ़ी औरत से मिलता है और उसे बातों में उलझा कर उसकी साड़ी की गांठ में से 10 रुपये निकाल लेता है। जब वो वहां से जाने लगता है तब वो औरत कहती है उसे पता है उसने 10 रुपये चुराए हैं, उसे वो 10 रुपये नहीं चाहिए, बदले में वो उसे एक किस दे दे। वही 10 रुपये यमन कर्णन को देता है। जब कर्णन उस पैसे से जुआ खेलता है तो वो पैसा जीतता है। वही पैसे वो घर पे जाके अपनी दीदी पद्मिनी को देता है। तभी वहां उसकी माँ आ जाती है जो कहती है उसे जुए से जीते हुए पैसे नहीं चाहिए, काम करके घर में पैसे लाए। पद्मिनी कर्णन की तरफदारी करती है। पद्मिनी कर्णन को बताती है कि आर्मी के लिए भर्ती हो रही है तो तुम वहां जाके फिटनेस टेस्ट दे दो। सुबह जल्दी उठ के कर्णन गांव के बस स्टॉप पे खड़ा हो जाता है, लेकिन कोई भी बस वहां नहीं रुकती। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि बस के आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन यमन उसे खींच लेता है। थक हार के वो एक लॉरी में बैठ के परीक्षा देने जाता है। वहाँ वो थका हुआ था लेकिन फिर भी पूरा जोर लगाता है और फिटनेस टेस्ट पास कर लेता है। जब वापस गांव आने वो बस में चढ़ता है तो उसी बस में द्रौपदी भी थी। यमन उससे पूछता है कि तुमने कहाँ की टिकट ली है, तो वो बताती है कि उसने मेलूर की टिकट ली है। जब यमन ये बात कर्णन को बताता है तो कर्णन गुस्सा हो जाता है। वो कंडक्टर से कहता है कि उसे 11 टिकट पांड्याकुलम के लिए चाहिए, तो वो कहता है कि पांड्याकुलम बस नहीं रुकेगी। 11 टिकट होने के बावजूद अपने गांव में बस नहीं रुकेगी, ये सुनकर कर्णन गुस्सा हो जाता है और पांड्याकुलम आते ही हल्ला गुल्ला करने लगता है और बस को रोकने को कहता है और चलती बस से कूद जाता है। कर्णन के कूदते ही उस बस को रोकना पड़ता है। यमन उसे डांटता है कि तुम्हारे ऐसा करने से यहाँ बस नहीं रुकेगी, क्या होता अगर वो बस को सीधा पुलिस स्टेशन ले गया होता और तुम पे FIR कर दी तो तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाता, तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलती। गांव वालों के लिए लड़ने के जज्बे को देखकर द्रौपदी उसे प्यार का इजहार कर देती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। पुलिस भी मेलूर के लोगों का कहा मानती थी। पुलिस रास्ते में खड़ा पांड्याकुलम का बोर्ड भी निकाल देती है। एक रात को कर्णन के पिताजी को सपना आता है कि उसकी मरी हुई बेटी ने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ रुपये बचा कर रखे थे जो उसने ज़मीन के नीचे दबा दिए हैं, तो पद्मिनी कर्णन को ज़मीन खोदने को कहती है। पहले तो कर्णन मना कर देता है लेकिन बाद में मान जाता है और ज़मीन खोदने लगता है। थोड़ा खोदने के बाद उस गड्ढे में से चिल्लर निकलता है। तब उसकी माँ बताती है कि हमारे गांव में भी बस स्टॉप होता तो तुम्हारी बहन आज भी जिंदा होती। मूवी की शुरुआत में जो लड़की दिखाई गई थी वो कर्णन की बहन थी और चिल्लर देखकर कर्णन भी सुन पड़ जाता है। दूसरे दिन जब कर्णन और वड़ामलई जुआ खेल रहे थे तो वड़ामलई कर्णन की बहन के बारे में भला बुरा कहता है। कर्णन अपना आपा खो देता है और वड़ामलई को खूब पीटता है। जब इस बात का पता द्रौपदी को चलता है तो वो कर्णन से नाराज होती है। यमन द्रौपदी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन द्रौपदी कुछ भी सुनने को राजी नहीं होती और वहां से चली जाती है। गांव में एक आदमी गुजर जाता है तो कर्णन वहां जाके शराब पीता है और खूब नाच गाना करता है। जब उसकी दीदी पद्मिनी को पता चलता है तो कर्णन पे पानी डाल के उसका सारा नशा उतार देती है। जब वो यमन को इसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि कर्णन द्रौपदी से प्यार करता है और उन दोनों में झगड़ा होने के कारण उसने शराब पी और यह सब किया। घर जाके वो कर्णन को मारती है और उसे कहती है कि 30 साल की होने के बावजूद आज तक उसने शादी नहीं की सिर्फ परिवार के लिए, और वो शराब पी के गुलछरे उड़ा रहा है, प्यार कर रहा है। और ये सब सुनके कर्णन नाराज हो जाता है। यमन उसके पास आके उसे कहता है कि वेलूर में कबड्डी का मैच हो रहा है, चलो वहां जाके मैच खेले। पहले तो कर्णन मना कर देता है लेकिन बाद में वो मैच खेलने जाता है। वहां पांड्याकुलम की टीम मैच हार रही थी,
तो कर्णन उस मैच में उतरता है और कबड्डी खेलता है, लेकिन रेफरी वेलूर का था और मैच भी वेलूर में खेला जा रहा था, तो रेफरी मैच में बेईमानी करता है जिससे कर्णन गुस्सा हो जाता है और रेफरी को मारने लगता है। मेलूर का जमींदार बीच में पड़ता है तो कर्णन उसे भी मारने की धमकी दे के वहाँ से चला जाता है। गाँव से निकल के वो यमन से कहता है कि अब तक उन्होंने बहुत सहा है, लेकिन आज से वो ये सब नहीं सहेगा और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। मेलूर गाँव के आदमी जमींदार से पूछते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने उनको जाने दिया। तब वो कहता है कि ये हमारा गांव है, यहाँ हमें झगड़ा नहीं चाहिए। उनका गांव 3 किलोमीटर दूर है, उनको गांव पहुँचने से पहले ही उनके हाथ पाँव काट डालो, और उनको हथियार देता है। जब वो लोग गांव वापस आ रहे थे तब वहाँ एक गर्भवती महिला अस्पताल जाने के लिए बस की राह देख रही थी। वो उसके पति और बच्चे के साथ वहाँ खड़ी थी। यमन बस रोकने में उनकी मदद करता है, लेकिन कोई भी बस नहीं रोकता। कर्णन भी वहाँ था और वो उस गधे की रस्सी खोल रहा था, क्योंकि आज वो सब बंधन तोड़ना चाहता था। जब कोई भी बस नहीं रोकता तो उस औरत का बच्चा पत्थर उठाकर उस बस पे दे मारता है, जिससे उस बस का कांच टूट जाता है। उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतरकर यमन और उस औरत के पति से लड़ने लगते हैं और वो यमन को नीचे गिराकर उसे मारने लगते हैं। कर्णन वही था, लेकिन वो उस गधे की रस्सी खोलने में लगा था और आखिरकार वो रस्सी खोल देता है। और जब वो देखता है कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर यमन को मार रहे हैं तो वो सीधा जाके बस का कांच तोड़ देता है। जब वो दोनों कर्णन को रोकने की कोशिश करते हैं तो कर्णन उनको भी मारता है, और ये देखकर वो बच्चा भी खुश होता है। गांव वाले और यमन मिलके बस में तोड़फोड़ करने लगते हैं। बस को तोड़ने के बावजूद कर्णन का गुस्सा शांत नहीं होता। जो लोग कर्णन को मारने आए थे वो लोग दूर से ये सब देख लेते हैं। यमन उस प्रेग्नेंट औरत को एक वाहन में बिठाकर वहां से रवाना करता है। मूवी के बीच बीच में कर्णन की मरी हुई बहन दिखाई जाती है जो ये सब देखकर खुश होती है, और यहां मूवी का इंटरवल होता है। घर पे यमन कर्णन से कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें बस नहीं तोड़नी चाहिए थी, अब पुलिस हमारे गाँव आएगी और सबको परेशान करेगी। पद्मिनी कर्णन को लेकर परेशान थी, लेकिन यमन कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसे कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर बस का ओनर बस की हालत देखकर परेशान था। इस केस को हैंडल कर रहे हैं एसपी कनाबीरन। कनाबीरन वहां आके उस बस की तोड़फोड़ देखते हैं। जब वो पूछता है कि इससे पहले उन पे कोई केस था तो दूसरे पुलिस वाले बताते हैं कि उनका कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, पर उनके गांव में बस स्टॉप नहीं और बस यहां रुकती नहीं, तो इसी बात पे गुस्सा होकर उन्होंने बस तोड़ दी। गांव में जब गांव का मुखिया दुर्योधन जब पूछता है कि किस किस ने बस तोड़ी है, तो कर्णन के साथ वो गर्भवती महिला, उसका पति और उसका बच्चा और जो भी उस तोड़फोड़ में शामिल था सब लोग आगे आते हैं, तो पूरा गाँव एक हो जाता है। और दुर्योधन कहता है कि पुलिस आएगी तो सब साथ में लड़ेंगे। यमन कहता है कि गाँव में कई सारे बुजुर्ग है और यमन खुद भी एक बुजुर्ग है, तो सब बुजुर्ग ये इल्जाम अपने सर ले लेंगे, वैसे ही उनकी की बची ही कितनी है। कर्णन यमन को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन पूरा गांव एक हो जाता है और कर्णन और दूसरे गांव वालों को छुपा देता है। एसपी कनाबीरन अपनी फोर्स के साथ गांव में पहुंचता है और उनसे बात करने दुर्योधन वड़ामले आगे आते हैं। जब वो उनसे उनका नाम पूछते हैं तो कनाबीरन ये नाम सुनकर गुस्सा हो जाता है। दुर्योधन अभिमन्यु ये नाम सुनकर उसे और गुस्सा आता है। जब वो पूछता है कि जिन्होंने बस तोड़ी वो कहाँ है, तो दुर्योधन बताता है कि सब गांव वाले यहाँ है, लेकिन उनके पास वो चश्मदीद गवाह था जो कर्णन को मारने उसके पीछे आया था। जब कनाबीरन दुर्योधन से पगड़ी उतारने को कहता है तो गांव वाले बताते हैं कि वो गांव के मुखिया है, वो अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। एसपी कनाबीरन खड़ा खड़ा बोर हो रहा था। दूसरे पुलिस वाले गांव वाले से कनाबीरन के बैठने के लिए कुर्सी मंगवाता है। जब वो गांव वाला कुर्सी लेने घर में जाता है तो घर में उसकी माँ बीमार थी, तो वो उसे उठाकर बाथरूम करने के लिए बाहर ले जाता है और वो कुर्सी ले जाना भूल जाता है और वापस भीड़ में घुल मिल जाता है। ये सब कनाबीरन वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा था और वो और भी गुस्सा होता है। वहाँ वो कंडक्टर उस बच्चे को पहचान लेता है जिसने पत्थर मारा था, और पुलिस उस बच्चे को कब्जे में ले लेती है और गांव वालों से कहती है कि अगर बच्चा वापस चाहिए तो उन सबको बुलाओ जिन्होंने बस तोड़ी थी। और दुर्योधन के कहने पर उन सबको बुलाया जाता है। वो सब वहीं गांव की टंकी पे छुपे हुए थे और इशारा होते ही सब नीचे उतर आते हैं। जब गलती से दुर्योधन कनाबीरन को छू लेता है, दुर्योधन के छूने से कनाबीरन गुस्सा हो जाता है और उसका गला पकड़ लेता है, तो कर्णन अपनी गलती कबूल कर लेता है कि उसने ही बस तोड़ी है।
जब कनाबीरन कर्णन को पकड़कर ले जा रहा था तब बस का ओनर एसपी कनाबीरन को रोक लेता है। वो कनाबीरन से कहता है कि उसे कोई झगड़ा नहीं चाहिए, वो केस वापस ले रहा है और गांव वालों को बताता है कि उसने पुलिस केस वापस ले लिया है और जल्द ही वो यहां पर बस स्टॉप बनाएगा जिससे इस गाँव में भी बस रुकेगी। अब पुलिस केस हुआ है तो कनाबीरन कहता है कि गाँव वालों को साइन करने पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। पद्मिनी कर्णन को बताती है कि उसकी माँ ने वो तलवार तालाब में डाल दी है क्योंकि वो मानती थी कि ये तलवार शापित है। कर्णन वापस तालाब में उतरकर वो तलवार वापस निकालता है, तभी वहां द्रौपदी आती है और कर्णन से माफी मांगती है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में साइन करने गांव के कुछ बुजुर्ग गए थे जो सुबह से वहीं एसपी कनाबीरन की राह देख रहे थे। गांव की कुछ औरतें आकर कर्णन को बताती है कि गांव के कुछ लोग कल पुलिस स्टेशन साइन करने गए थे जो अब तक वापस नहीं आए। कर्णन गांव के आदमियों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां वो पुलिस वाला बताता है कि वो कल साइन करने आए थे और साइन करके वापस चले गए। वहां वो बाहर चाय की दुकान पे पूछते हैं कि क्या कल कुछ लोग यहां साइन करने आए थे। तब वो बच्चा बताता है कि कल जब वो चाय लेके पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वो लोग अंदर ही थे। वो लोग कई घंटों से भूखे प्यासे वहां खड़े थे, उनके बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। जब वो घर वापस जाने की जिद करने लगे तभी वहां एसपी कनाबीरन पहुंच जाता है। तब गांव वाले कनाबीरन से कहते हैं कि वो लोग कब से यहां खड़े हैं, वहां उनके बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो कनाबीरन कहता है कि जब मैं तुम्हारे गांव आया था तब तुमने मुझे बैठने के लिए जगह दी थी। जब वड़ा मलय कनाबीरन को रोकने की कोशिश करता है तो कनाबीरन गुस्सा हो जाता है और वड़ा मलय को डंडे से पीटता है। वो पुलिस स्टेशन बंद करवा देता है और उन सबको खूब पीटता है। तब वो चाय वाला बच्चा भी वहीं खड़ा सब देख रहा था। वो दुर्योधन को भी पीटता है क्योंकि कनाबीरन को उसके नाम से चीड़ थी। जब कनाबीरन गांव गया था तब दुर्योधन ने उसके सामने अपनी पगड़ी पहन रखी थी, तो वो दुर्योधन को पगड़ी पहनाता है और पीटता है। वो वहां सब लोगों को खींच खींच के पीटता है, वो सब मरने की हालत में आ जाते हैं। कनाबीरन दूसरे पुलिस वाले से कहता है कि जब तक बस का ओनर माफी नहीं मांगेगा तब तक वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। और इतना सुनते ही कर्णन पुलिस स्टेशन भागता है और अंदर जाके वो उन पुलिस वालों को पीटने लगता है। कर्णन के गांव वाले भी पुलिस वालों को मारते हैं और उनको वहां से भगा देते हैं। कर्णन पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करता है और दुर्योधन और दूसरे लोगों को ढूंढता है। तब अंदर छुपा एक पुलिस वाला बताता है कि वो सब छत पे है। कर्णन छत पे जाता है जहां सब लोग घायल थे। कर्णन और दूसरे लोग उनको ट्रैक्टर में डालते हैं और गांव जाने निकल पड़ते हैं। पिटाई के कारण उन सब की हालत नाजुक थी। जब उन सबको गांव लाया जाता है तो गांव में हल्ला मच जाता है। दुर्योधन को तो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है और गांव वालों को बताता है कि उसने उनको इसलिए नहीं मारा क्योंकि हमने बस तोड़ी थी, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि हमने उनको बैठने के लिए जगह नहीं दी, अपनी पगड़ी पहन रखी और हमारे नाम की वजह से हमें मारा है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की थी तो पुलिस तो आएगी। कर्णन कहता है कि जो होगा वो देख लेगा, लेकिन अब वो नहीं झुकेगा, अब वो उनके सामने लड़ेगा। और गांव वाले भी कर्णन का साथ देते हैं। कर्णन की मरी हुई बहन ये देखकर खुश होती है। गांव के लोग अपने हथियार लड़ने के लिए निकालते हैं। पेड़ और झाड़ियां काटकर गांव के चारों ओर एक दीवार बनवाई जाती है जिससे पुलिस अंदर ना आ सके। दुर्योधन और उन सभी घायल लोगों को एक घर में रखा जाता है और उनके साथ उस गर्भवती महिला को भी रखा जाता है। कर्णन और गांव वालों को लगता था कि पुलिस रात को हमला करेगी, इसलिए सब लोग पूरी रात जागते हैं। द्रौपदी भी खुश थी कि उसने एक ऐसे आदमी से प्यार किया जो लोगों के लिए लड़ता है। दूसरे दिन गांव का पोस्टमैन आके यमन को चिट्ठी देता है और बताता है कि कर्णन का सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया है और उसे कल ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। पूरा गाँव खुश था क्योंकि गाँव में पहली बार किसी को सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन कर्णन गाँव को इस हालत में छोड़कर नौकरी जाने से मना कर देता है। यमन उसे समझाता है कि जो होगा वो देख लेंगे। दुर्योधन भी उसे कहता है कि उनके साथ कलेक्टर भी आएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, और न चाहते हुए भी कर्णन को जाना पड़ता है। यमन उसको उसकी तलवार देता है और कर्णन के पिताजी उसको गांव के बाहर छोड़ने जाते हैं। पुलिस कलेक्टर के साथ पांड्याकुलम पहुंचती है। गांव वाले कुछ बच्चे भेजकर उनको बताते हैं कि सिर्फ कलेक्टर ही गाँव में आ सकते हैं, पुलिस वाले नहीं। अगर पुलिस वालों ने गाँव में कदम रखा तो वो उनकी जान ले लेंगे। कनाबीरन कलेक्टर से गाँव में घुसने की परमिशन मांगता है तो कलेक्टर उन्हें परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। मेलूर का जमींदार उदास था क्योंकि उसको पता था पुलिस वाले गांव को तबाह कर देंगे। वो वहां से चला जाता है क्योंकि
वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता और पुलिस वाले गांव में घुसते हैं। गांव वाले उनसे लड़ने आगे आते हैं। गांव वाले उन पे पत्थर से वार करते हैं। पुलिस वाले अब गांव में घुस गए थे, वो सबको घर में घुस के मारने लगते हैं और घर में तोड़फोड़ करते हैं और पूरे गांव को तबाह कर देते हैं। पुलिस लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रही थी। यमन ये सब देख के गुस्सा हो रहा था तो कुछ लोग उसको घर में जाकर घर में बंद कर देते हैं। घर में बंद होने के बावजूद वो दरार से अपने लोगों को मार खाते हुए देख रहा था। वो अपने आप पे केरोसिन छिड़कता है क्योंकि वो जानता था जब तक किसी की जान नहीं जाएगी पुलिस शांत नहीं होगी। तभी उस गर्भवती महिला को दर्द शुरू होता है। पुलिस उनको ढूंढते हुए अंदर आती है लेकिन तब तक उस औरत ने बच्चे को जन्म दे दिया था। यमन अपने आप को जला देता है और जली हुई हालत में बाहर आता है। यमन को जलता देख सब औरतें रोने लगती है। कुछ पुलिस वाले आग बुझाने की कोशिश करते हैं। यमन को जलता देख एक बच्चा पुलिस के हाथों से छूट जाता है और अपना घोड़ा लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर कर्णन गांव वापस जाने की जिद करता है लेकिन उनके पिताजी मना कर देते हैं। तभी वो बच्चा वहां आता है और कर्णन को बताता है कि पुलिस ने गांव में सब कुछ तबाह कर दिया है। और ये सुनकर कर्णन के पिताजी खुद कर्णन को तलवार देते हैं। ये देखकर कर्णन की मरी हुई बहन खुश होती है। कर्णन गांव वापस आता है। कर्णन को देखकर गांव की सब औरतें उसके चारों ओर लिपट जाती है लेकिन पुलिस उन सब पे लाठी चलाती है। कर्णन यमन का जला हुआ शव देखता है और वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो पुलिस को मारने लगता है। वो कनाबीरन के गले में तलवार रखता है और दूसरे पुलिस वालों को बताता है कि कलेक्टर MP सबको यहाँ बुलाओ तो ही वो कनाबीरन को छोड़ेगा। और वो कनाबीरन को लेकर एक घर में चला जाता है। घर के अंदर कनाबीरन कर्णन से कहता है कि ये सब करके तुम कुछ नहीं कर सकते, दरवाजा खोल दे और उसको जाने दे। कर्णन मना कर देता है तो कनाबीरन उस पे गोली चलाता है लेकिन कर्णन बच जाता है और उसकी पिस्तौल गिरा देता है। उन दोनों में लड़ाई होती है। कर्णन कनाबीरन पे हावी होता है लेकिन कनाबीरन उसे उकसाता है और बताता है कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम्हारा गांव तबाह हो जाएगा, इसका नामो निशान मिट जाएगा। कर्णन ने उसके गले पर तलवार रखी हुई थी और ये सुनकर वो और भी गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में तलवार पर जोर देता है जिससे कनाबीरन का सर अलग हो जाता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। उसको मारने के जुर्म में पुलिस कर्णन को पकड़ लेती है और वो तलवार भी कब्जे में ले लेती है। जेल की सजा काटने के बाद कर्णन गांव वापस आता है। अब उनके गांव में भी बस रुकती है। कुछ गांव वाले नौकरी कर रहे थे, बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, उनकी बहन पद्मिनी की शादी हो गई है लेकिन जिनको पुलिस ने मारा था दुर्योधन अभिमन्यु बड़ा मलय सब मर गए थे। गांव वालों ने यमन की एक बड़ी पेंटिंग बनाई थी। ये सब देखकर कर्णन रो रहा था तो एक बूढ़ी औरत आके उसे बताती है कि अब रोने के दिन गए, गांव में अब सब अच्छा है और कर्णन को नाचने को कहती है और कर्णन भी खूब नाचता है और मूवी खत्म। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टाटा।